ये है टाइगर, टाइगर, टाइगर का पैर। बड़ा बन जाओ। ये देखिए डाइनिंग टेबल पे है हम। ओह भाई जी, मैंने पर्सनल आपको बोला नहीं, मैंने कहा आप हमसे प्रेम से बोलते हैं, जब भी मिलते हैं रास्ते में बोलते हैं, इधर ही घर भी बुलाते हैं, हमारे घर में भी आते हैं। हम लोग एरावत पे, और ये रहा अपना बोर्ड एरावत, और ये क्लाइंट रुके हुए हैं आज दो दिन से, एक्चुअली तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा रश था, तो यहाँ पे मैं इसीलिए थोड़ा घूमने फिरने निकल गया था, क्योंकि ज़मीन देखने के लिए मेरे दोस्त भी आ रखे थे, तो लगातार ग्रुप्स हैं अभी। और अब मैं आ गया हूँ वापस। नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया, मीडियम चल रहा है। क्या चल रहा है? मीडियम। अभी दो तीन दिन से हाई नहीं चल रहा था, अब स्लो चलेगा थोड़ा। ये हमारे कुबेर जी, लेपर्ड स्पेशलिस्ट। नमस्कार। कोई बात नहीं, रहने दो, अभी घूमेंगे, अभी घूमेंगे। हाँ, आज मूवमेंट है हाथी की। अच्छा। हाँ, भंडार पानी पे हाथी का पूरा हमको मिला था। हमें कब मिला? क्यों, परसों रात को जो क्लाइंट लेके गए थे, रपटे पे मिला था हाथी। मिला था ना रपटे पे? हाँ, उस पर डंग गिरा हुआ है। वो वीडियो बनाई उन्होंने? आप नहीं थे उस दिन? हाँ हाँ, मैं चला गया था क्लाइंट। वहाँ पर फूड बैंक वो फ्रंट देखे थे, टाइगर वहीं पर उसे 5 मिनट बाद गया है। अच्छा, बिल्कुल मेन रोड पे, ऐसे रोड पे। अभी सुनील जी जब निकले हैं जिस दिन, अभी परसों गए हैं ना सुनील जी, तो जो मदन का भाई लेके गया है ना, वो क्या ना, पंकज। पंकज, तो पंकज बता रहा था जिस दिन हम लोग भंडार पानी घूम रहे थे, उस दिन टाइगर यहाँ दिखा है, क्या नाम है, पाटकोट वाली रोड पे। हाँ, वो पंकज को भी दिखा है। पंकज को भी, मदन को, मम्मी को भी दिखा था। हाँ, वो तो बच्चे के साथ दिखा है ना, बच्चे दे दिए उसने, एक बच्चा है उसके साथ। तो दोस्तों काफी अच्छी मूवमेंट हो रही है आजकल। नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो महादेव जी के दर्शन करते हैं, हर हर महादेव। तो हमारे क्लाइंट आए हुए हैं। कैसे हो? सर बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया, थोड़ी वीडियो बना रहा था पहले। हाँ जी, बिल्कुल। कैसा लगा आपको? सर अल्टीमेट अच्छा लगा। ट्रैकिंग वगैरह पे गए अभी आप? नहीं सर, आपका वेट कर रहा था बस। आज घुमाएंगे आपको, आज रात को भी घुमाएंगे आपको, नाइट सफारी कराएंगे आज मेरे साथ, क्योंकि मैं तो जाता ही हूँ वीडियो बनाने। बिल्कुल सर। तो आपको भी बुरी है सर, अगर आप ना आते ना मेरा दिल दुख जाता, पता क्यों? मैं कह रहे थे सुबह से, कह रहे थे सर। अच्छा। सर आया नहीं है, कुछ नहीं, मैंने इसलिए आपको फोन पे बोला था कि मैं आपको घुमाऊंगा आकर। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज चलेंगे रात को, आज रात को और एक्टिव, मेरे पास टॉर्च भी है, दिन रात में उजाला कर देंगे इधर। वही वाली, वो मेरे पास एक टॉर्च लिया है मैंने। हाँ, मैं आप वीडियो देखी थी, आप बता रहे थे। हाँ, वो आप रात को उसका डेमो दिखाऊंगा आपको, मतलब रात को ये जो ग्रासलैंड है ना साथ वाला, तो हमारी वाली जो दूसरी टॉर्च ये लोग यूज करते हैं स्टाफ, वो फोकस टॉर्च है, वो सिर्फ एक जगह पे फोकस मारेगी, स्पॉट वो एकदम। हाँ, वो स्पॉट पे ही मारेगी, और जो अगर हम स्पॉट पे आंखें दिख जाती है, पहला यूज हम उसका करते हैं, सेकंड अपनी वाली टॉर्च यूज करता हूँ, फिर वो पूरी लाइट करती है। अच्छा, ये वाले जो दूसरे क्लाइंट है जा रहे हैं चेकआउट इनका। जी जी जी, मदन भाई को सुना रहे। तो ये हमारे एक क्लाइंट और भी है, देखो 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 कहाँ चला गया। अरे मेरे को परसों दिखा है, पग मार्क तो यहाँ लगे थे, लेपर्ड के जो दो बच्चे हैं ना, बच्चे है ना, दो बच्चे। तो देखिए ये भी बता रहे हैं दो बच्चे हैं, तो उसमें से एक बच्चा आपका कुत्ता भौंक रहा था कालू रात को, तो आपके खेत में ही घूम रहा था। अच्छा, हाँ, और फिर मैंने लाइट मारी कॉटेज के आगे, आपके गौशाला के आगे, तो बड़ी बड़ी आंखें चमकी, जब हम रात को गए वहां पे तो पगमार्क लगे हुए थे लेपर्ड के, तो मुझे लग रहा है बच्चों वाली है, अभी वो सिखा रही है शिकार करना। तो चलिए ठीक है, अब हमारे एक क्लाइंट और भी है, पहले पूछ लेता हूँ उनको वीडियो में लेना है कि नहीं। सर वीडियो में ले सकते हैं आपको? तो इन्होंने अलाउ किया है तो मैं ले रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, ये अक्सर आते हैं, तीसरी बार आ गए हैं, तो इनको भी वाइल्ड लाइफ और नेचर से बहुत प्यार है। साकेत भैया से मुलाकात तो हो गई। कैसा लगा सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो सर। तो ये सर आते रहते हैं हमारे पास, इनको भी नेचर से बहुत प्यार है और फोटो बहुत अच्छी खींचते हैं। इन्होंने मेरे गूगल रिव्यू में एक फोटो लगा रखी है, मेरी छत की है फोटो। हाँ, आपके छत की है ना। हाँ। बहुत सुंदर फोटो लगी मुझे वो। तो चलिए फिर, अब आज आप निकल रहे हैं फिर? हाँ, अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर तो दोबारा मुलाकात होती है सर्दियों में, जल्दी है ना। जल्दी। चलिए ठीक है दोस्त। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मौसम। अच्छा, ट्रैकिंग पे तो जा ही रहे हैं, साथ में एक चीज और भी है, हमारे सौरभ भाई आए थे और उनकी फैमिली आई थी यूके से, जो ट्रैकिंग पे गए थे, जो मेरा एक वीडियो है इससे एक दो वीडियो पहले है, मैंने टाइगर देखा जिसका टाइटल है। तो सौरभ जी ने एक तो मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छे इंसान हैं, और सौरभ जी ने यहाँ पे कुछ चैरिटी के लिए, डोनेशंस के लिए कुछ पैसे दिए थे मुझे,
और मैं बीच में बहुत व्यस्त चल रहा था और कुछ प्रॉब्लम भी थी क्योंकि मेरा शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो उसका इलाज चल रहा था फिजियोथेरेपी। तो मैं बहुत दिनों से था नहीं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो उन्होंने जो मुझे पैसे दिए थे, डोनेशंस दिए थे नीमा देवी के इलाज के लिए, या उनके गाँव में एक ईश्वरीय लाल हैं, खैराड़ विलेज जो है जहाँ लैंडस्लाइड हो गया था और वो लोग प्रॉब्लम में थे बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए कुछ पैसे देकर गए थे मुझे। मैं अब जा रहा हूँ ट्रैकिंग पे सर के साथ, हर्ष जी के साथ। हर्ष जी 2-3 दिन से स्टे पे हैं मेरे पास, बिल्कुल सर, है ना। और हमने नाइट ड्राइव वगैरह भी बहुत अच्छी की है रात में, तो वो वीडियो भी मतलब गजब थी, वो जो थी अपनी वाइल्ड लाइफ। हाँ, कैसा लगा आपको? सर मजा आ गया कसम से। और क्योंकि सर ये ड्रीम रहता है जो वाइल्ड लाइफ लवर या नेचर लवर होगा ना, उसका ये ड्रीम होता है कि ऐसी जगह पे आके जहाँ पे एकदम डीप डेंस और एकदम रियल वाला एकदम है प्योर जंगल, तो वहाँ पे नाइट ड्राइव जाए। अच्छा, एक चीज और भी है, जब ये निकल गए थे दिल्ली से तो इन्होंने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बोला है कि जो लोग भी मेरे यहाँ बुकिंग करा रहे हैं वो वार्म क्लोथ लेकर आए, तो उन्होंने उस बात को ले लिया था लाइटली या फिर देखा ही बाद में था। तो कैसा लगा? सर निकल चुका था सर, कुल्फी जम रही थी 7-8 बजे के बाद। व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ 7-8 बजे के बाद कुल्फी जम सकती है आपकी, तो इसलिए थोड़े से गर्म कपड़े जरूर लाएं। तो देखिए, ये जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और अब यहाँ पे मेरे पास गेस्ट भी हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कोई बात भी कि बस आपको मौसम दिखा और बोल दिया। अभी भी मैं आपको मौसम दिखाऊंगा, पहले आप मौसम देखो। और जिनकी भी बुकिंग्स हैं, अभी मेरे पास बहुत सारी बुकिंग्स हैं, इनके सामने भी अभी बुकिंग्स हैं, इवन अभी भी आज भी अभी क्लाइंट्स आ रहे हैं ऊपर वाले टेरेस वाले रूम में आ रहे हैं। तो जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं वो वार्म क्लोथ शॉल वगैरह तो लेकर आइए, क्योंकि 5-6 बजे के बाद आप अगर सोचेंगे कि सर्च लाइट लेकर आप छत पे बैठेंगे तो आप कितनी, इससे पहले जो आपके साथ गेस्ट रुके हुए थे आप जब नीचे थे वो ऊपर थे, 2-2 मिनट में वो अपने रूम में जा रहे थे क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी, फिर बाहर आते वाइल्ड लाइफ को देखने या एंजॉय करने के लिए, लेकिन फिर उन्हें ठंड लगती 2 मिनट में फिर जा रहे। तो मैं ये व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने साथ स्वेटशर्ट या हुडी या शॉल इस टाइप का जरूर अपने साथ कैरी करें। तो इनके साथ ना, जब ये नीचे वाले रूम में थे तो कुछ गेस्ट हमारे लखनऊ से आए हुए थे ऊपर वाले रूम में, तो वो लोग अपना शॉर्ट्स वगैरह ऐसी जैसे लखनऊ में या दिल्ली में लोग पहन रहे हैं वो अपना पहन वहन के आ गए, तो इनके साथ छत पे बैठे थे वो रात के टाइम। तो ये बता रहे हैं कि ये भी थोड़े देर पे नीचे भागते थे और वो भी साथ साथ में नीचे भागते थे, इतनी ठंड लगती। 5-10 मिनट से ज्यादा सर आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, इतनी ठंड लगती इसमें। हाँ, क्योंकि अगर एंजॉय करना है तो गर्म कपड़े पहन के या बैठ सकते हैं 1-2 घंटा जो आप सर्च लाइट लगाएंगे छत से जानवर देखने के लिए। चलिए, ये तो हो गई बात, अब हम अपनी ट्रैकिंग भी शुरू करेंगे। साथ साथ में जो हमेशा मैं करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ सुंदर सुंदर नजारे जो एरावत के हैं, जिम कॉर्बेट, देखिए। तो दोस्तों, ये हैं वो नज़ारे, मैं अभी जूम करके भी दिखाऊंगा आपको। ये आता है व्यू नीचे वाले जो मेरा ये लॉन वाला जो रूम है, लॉन फेसिंग, उसका व्यू आता है। अगर आप बेड पे भी अंदर बैठे हैं, यहाँ बेड पे भी बैठे हैं या लेटे हैं, तो इस वाली विंडो से आपको ये व्यू आएगा। ये देखिए, ये है वो शानदार व्यू। और आज आपको बता दूं, मौसम बहुत अच्छा है और हर्ष जी रात को और ठंड होने वाली है। हमारे यहाँ ठंड ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये पहाड़ों पे जो आपको दिख रहे हैं, ये सुंदर सुंदर नज़ारे, बादल, ये आजकल व्यू है हमारे यहाँ का। ये व्यू है, देखिए, एक उधर पहाड़ है तो गायब भी है बिल्कुल, इस टाइम पे दिख भी नहीं रहा है। और बाकी आप ये देखिए, ये लग रहा है जैसे ये बादल आज धरती को आके चूम लेगा। तो दोस्तों, जिनका इंतजार कर रहे थे वो लोग आ चुके हैं। ये भाई साहब नोएडा से आए हैं और साथ में हमारे भाई एक और भी आए हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, सामने अभी कॉलिंग चल रही है जंगल के अंदर, मोर स्ट्रेस कॉल कर रहा है। तो बड़ी बड़ी ठीक है सबकी, थोड़ी यहाँ बना लेना जी, मेरे साथ भागे बड़े, मुझे टेंशन, आप तेज भागना बस। तो जो तेज भागेगा वो बच जाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो गया, मैं भाग नहीं सकता, तो मैं तो रज के लड़ूंगा 2 सेकंड बाद मेरी वीडियो नहीं आएगी फिर। तो नजारे भी देखते चलो आप लोग। मुझे पूरा भरोसा नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। देखिए कितनी दिलेरों की टीम है। ये हमारे एक भाई आए हुए हैं, इनको भी बहुत ज्यादा शौक है जंगल का। इन्होंने अभी एक ढेला जोन का जो वीडियो बहुत वायरल गई है अच्छी खासी, और इनको जैसे सीतापुरी में टाइगर ने अभी मॉक चार्ज किया था एक जिप्सी के ऊपर, इनकी वीडियो में इनके ऊपर किया है। तो ये हैं हमारे भाई जी जो नोएडा से आए हैं। हेलो दोस्तों। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम? मैं परवीन हूँ और मैं नोएडा से हूँ। लास्ट में अभी लास्ट मंथ 21 तारीख को आया था, सितंबर में, और
मैंने ढेला में सफारी की थी, पहले हमारे सामने एक किल हुआ था तो हमें उसमें टाइगर नहीं दिखा, बस पूरा फील करा, डियर की काफी आवाज थी। उसके बाद हमारे वो बिल्कुल पास से निकल गया और हमें टाइगर दिखा नहीं किल लेके। तो उसके बाद जैसे ही हम 50 मीटर आगे गए, हमने एक फोटो क्लिक करने के लिए गाड़ी रोकी, लेफ्ट साइड से टाइगर हमारी गाड़ी पे खड़ा हो गया और लाइफ टाइम फुटेज मिल गई। उसकी फुटेज नहीं कर पाए, उसके बाद हमने थोड़ा उसे रास्ता दिया निकल बाहर निकलने का। हाँ। उसके बाद निकला था वो, हम उसके पास पीछे गए थे, पास तो नहीं काफी दूर थे। हाँ। तो उसने हमें मॉक चार्ज किया था क्योंकि वो हमसे चिढ़ गया था पहले ही, उसके फेस पे हम खड़े हो गए थे बिल्कुल। तो मॉक चार्ज किया और इन्होंने वीडियो शौक शौक में, मतलब इनको सिर्फ शौक है, कोई ऐसा नहीं किया यूट्यूबर, अब क्योंकि शौक को आगे कैरी करेंगे, मेरी इनसे बात हुई है, वो वीडियो जबरदस्त है, आप लोग देखना। सर चैनल का क्या नाम है आपके? रोमिंग जंगल बाय रोनी। रोमिंग जंगल बाय रोनी। तो मेरे भी जितने सब्सक्राइबर हैं आप इनकी वीडियो देखना, और वो वाली वीडियो तो देखना, मुझे बहुत पसंद आई सर, वाकई में मजा आ गया। वो सभी देख रहे हैं, मुझे लोग कोई नहीं जानता था, उसके से बहुत लोग जान रहे हैं। तो टाइगर ने इनको फेमस कर दिया। है ना। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं सर ये सामने जंगल में, जहां अभी कॉलिंग हो रही थी, और हमारे सुरक्षा कवच तो पीछे ही रह गए। डंडा? हाँ डंडा भी लेना है, डंडा जो लेना है वो वाला भी डंडा लेना है, मेन वाला डंडा, ये तो नकली डंडे हैं, एक असली डंडा भी है हमारे पास, वो हाँ फॉरेस्ट वालों का। तो बस दोस्तों हम लोग चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं अपने एरावत के गेट से, ये है हमारा गेट, और जो कुत्ते को मारा था लेपर्ड ने में लास्ट वीडियो में आपने देखा, बस उसके पास से ही निकल रहे हैं। ये जिस पे हम चल रहे हैं ये टाइगर ट्रेल है, यहीं से टाइगर आता जाता है। और ये है दोस्तों जो आपने मेरी वीडियो में देखा, अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय एक चेन के, कुछ हड्डियों के और कुछ फर के, जो बेचारे हमारे ब्राउन वाला डॉग था, ये जैकल्स वगैरह आके खाते हैं, जैकल खाते हैं, और बाकी और भी कौन सा डॉग था, काफी बड़े बड़े बाल है। हाँ ये यहीं पे था, ये जो बूटिया नहीं उसी टाइप की ब्रीड था, मिक्स था, मिक्स था। तो दोस्तों ये डॉग जो है बेचारा अब तो जा चुका है, एक का पेट भरा है इसने जंगल में, और कुबेर जितने आगे चल रहे हैं लग रहा है दूसरे का पेट भी भरने वाला है। ये कह रहे हैं मैं दांत में अटक जाऊंगा। तो देखिए कितना घना जंगल है, मजाक एक अलग बात है, जंगल की आवाज़ सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मोर स्ट्रेस कॉल कर रहा था, और अभी तक तो हम लोग मजाक वाली बात कर रहे थे, ये वही जगह है जहाँ से, ये देखिए जहाँ से टाइगर और लेपर्ड रोज निकलते हैं, तो इतनी मजाक वाली बात भी नहीं है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, वो जंगल के अंदर चल के पता चलेगा। थोड़ी सी पत्थर वत्थर है थोड़े नीचे, रास्ता ऐसा ही है तो देख के चलना पड़ रहा है। एक बार मैं ऐसे घुमा देता हूँ 360 डिग्री, आपको पता चल जाएगा हम कहाँ पे हैं। ये देखिए वो है एरावत, और चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों जहाँ हम उतर रहे हैं यहाँ पे हमें फ्रेश पग मार्क्स मिल सकते हैं अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कॉलिंग हो रही थी, और हमारे पास ये देखो भाई साहब ने डंडा पकड़ा हुआ है साथ में, ये काफी मजबूत डंडा है तो फाइबर, बट ये जो फॉरेस्ट वाले यूज करते हैं वो डंडा है, क्योंकि हमारे कुबेर जी फॉरेस्ट में जॉब करते थे तो उनको ये डंडा मिला था फॉरेस्ट वालों की तरफ से। इसी से ज्यादातर पैदल ट्रैकिंग में फॉरेस्ट वाले बचाते हैं अपने आप को लेपर्ड और टाइगर से। तो हम जोर जोर से बोल रहे हैं, वैसे ये फायदेमंद है क्योंकि टाइगर लेपर्ड होगा भी तो मूव कर जाएगा आगे, क्योंकि उसने अभी तक सुन लिया होगा, हमने उसको नहीं देखा है, उसने हमें देख लिया होगा। रास्ता बहुत खतरनाक है, ये देखिए पैर कैसे फिसल रहा है। यहाँ अगर हर्ष जी आप महसूस करोगे तो स्मेल सी है, कुछ यूरिन टाइप है ना, मस्की स्मेल। हाँ तो ये जो यूरिन टाइप की स्मेल है, ये आसपास की झाड़ियों में जब लेपर्ड निकलता है या टाइगर, तो वो सेंट मार्किंग करता हुआ निकलता है, तो उससे यहाँ पे स्मेल जब हवा चलती है तो हमें आती है। खासकर ऐसे जो पेड़ होते हैं, ये वाले पेड़, इसको लेपर्ड बहुत पसंद करता है क्योंकि इसमें आराम से पैर लटका के वो बैठता है और जंगल की मूवमेंट्स को देखता है। यहाँ एक टाइग्रेस है जो मैं भाई साहब बता रहे हैं, मदन जो है मेरा कुक, यहाँ स्मेल आई आई ना, ये जो स्मेल है ना ये लेपर्ड की स्मेल है। तो दोस्तों
इस घने जंगल में हम उतर गए हैं। यहाँ लगातार स्मेल आ रही है सेंट मार्किन की। अगर ध्यान से हर्ष जी आप स्मेल करोगे ना, वो तो आपको ऐसे भी आ गई होगी स्मेल, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे एक टाइग्रेस है आजकल घूम रही है, जिसका एक छोटा सा कब है। जो मेरा कुक है मदन, उसकी मम्मी घास लेने गई थी 4-5 दिन पहले, तो उस टाइग्रेस ने उसकी मम्मी के ऊपर चार्ज किया था। अब हम लोग देखिए यहाँ नाले में उतर गए हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हिरन जब यहाँ से मूव करते हैं तो उनकी ड्रॉपिंग्स हैं। अब हम लोग जब पैर रखेंगे, सब लोग, छोटी सी बात, जब भी हम लोग ट्रैकिंग करेंगे पैर रखेंगे तो पगमार्क को देखते हुए रखेंगे, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, एक बार अपनी वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये जगह है, यहाँ कोई जानवर निकला है, उसके फुटप्रिंट्स लगे हुए हैं सारे। ये देखिए, ये हिरनों के खुर हैं सारे। हमसे पहले ग्रुप रात में निकला होगा, उसी तरह अभी टाइगर की। ये देखिए, हम इधर जा रहे हैं डेंस जंगल में, टाइगर इधर से ही मूव करता है और इधर को जाता है, नाले नाले चलता है, तो बस उसी नाले नाले हम भी चल रहे हैं। हमारे पास डंडा भी है, तो दोस्तों बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए यूरिन, ये देखिए, दिख रहे हैं। जब जानवर यहाँ से निकलता है, ऐसे सांभर खड़ा है तो सांभर अपना यूरिन वहाँ पे कर दिया। लेकिन जो लेपर्ड और टाइगर होंगे वो अपना सेंट मार्किंग करते हैं, टेरिटरी मार्किंग कहते हैं उसको। तो जब आप निकलोगे, जैसे भी रास्ते से हम लोग आ रहे थे नीचे, तो आपने नोटिस नहीं किया शायद, स्मेल आ रही थी बहुत अजीब सी, वो स्प्रे मार्किंग है, क्योंकि टाइगर ट्रेल पे हम लोग, और स्क्रैच मार्किंग, क्लॉ मार्किंग कहते हैं उसको। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। लास्ट टाइम मेरे साथ क्लाइंट आए थे तो उनको मैंने क्लॉ मार्किंग दिखाया था, और अभी जिस पे हम चल रहे हैं इस पे हमें सेंट मार्किंग और पग मार्क मिलने के पूरे चांसेस हैं। चलिए, कोई भी भागेगा नहीं, अगर बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम लोग एक टाइग्रेस के एरिया में है जिसके पास एक कब है छोटा, हम सब एक जगह खड़े रहेंगे, एकदम क्लोज इनकाउंटर होता है तो सबको चिल्लाना है, कोई भी पीछे मुड़ के नहीं भागेगा। देखिए देखिए, आपको लेपर्ड का पगमार्क मिल गया। देखिए दोस्तों, यहाँ जो मेल लेपर्ड है उसी को ढूंढ रहा था मैं। देखो, एक नाखून, दो नाखून, तीन नाखून। ओह गजब दोस्तों, ये देखिए, फ्रेश लग रहा है। ये देखिए, अभी कॉलिंग हो रही थी, अभी कॉलिंग हो रही थी। ये है लेपर्ड का फ्रेश पगमार्क। देखिए कितना डिफरेंस है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी वीडियो में है। मेरा ये हाथ है पूरा, टाइगर का ये सर्कल के बराबर होता है, इसका इतना बड़ा है। आज का नहीं, ताजा है, पहले तो बारिश हुई है, ताजे का तो मतलब, बारिश का तो मतलब नहीं है, पुराने का मतलब। तो दोस्तों अभी टाइगर के पगमार्क नहीं मिले हैं, अभी हमें मिले हैं लेपर्ड के पगमार्क। ये देखिए, ये जमीन गीली है, 1, 2, 3 एंड ये बैक वाला पोर्शन। तो हम लोग अब समझ लीजिए पीछे पीछे लेपर्ड के चल रहे हैं, और जब हम लोग गेट से निकल रहे थे उससे जस्ट पहले कॉलिंग हो रही थी। तो हमारे आसपास टाइगर तो नहीं है, बट यहाँ खुर लगे हुए हैं बहुत सारे, इसका मतलब वो पीछा कर रहा है। वो देखिए, किसी हिरन का पीछा कर रहा है वो। यहाँ पे दो चीज़ें हैं एक्चुअली, एक लेपर्ड की फैमिली है पूरी, जो मेरी वीडियो में आपने बहुत बार देखा है, उसी लेपर्ड का इलाका है ये। जो मैंने आपको पगमार्क दिखाया वो फीमेल का है, मेल का उससे भी बड़ा है, जो मेरी वीडियो में है, मेरे शॉर्ट्स के अंदर भी है, वो मेल है। उसके साथ दो कब है फीमेल के साथ, जो मेरी लास्ट वीडियो में था, कब और फीमेल के पगमार्क भी दिखे थे। हम उसी के टेरिटरी के अंदर हैं, उसके पगमार्क के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। क्या बोला, यही है, ये वही नाला है दोस्तों, जहाँ पे लेपर्ड और टाइगर अक्सर चलते हैं। ऐसे लोगों से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को दिखा रहे हो तुम, फेक चीज मत दिखाओ बस। नहीं मानते हैं सर, नहीं मानते तुमको यार, बहुत लोग देख के बहुत चीजें सीख रहे हैं, सीख रहे हैं तो गलत करो। कुछ वीडियो में देखिए कि रोड किनारे एकदम रुके हैं टॉयलेट करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने करा है, और फिर एकदम भाग दिए हैं टाइगर। अरे टाइगर झूठ झूठ झूठ, सब झूठ करते हैं, टाइगर तुम्हें दो कदम नहीं भागने देगा। हाँ, ये सब बाहर इनके मिलियंस व्यूज आते हैं झूठे वालों के,
और हम यहाँ आपको पगमार्क दिखाते हुए चल रहे हैं। मैं है ना, मैं जेन्युइन चीज दिखाऊंगा और जेन्युइन ही चीज हमारी वीडियो में आएगी। मेरी पहली वीडियो उसमें जेन्युइन मैंने कुछ करा ही नहीं, एडिटिंग भी मुझे नहीं आती करनी और ना मैं उसमें डाली है। हम लोग स्लो आगे बढ़ेंगे यूट्यूब पे, लेकिन जेन्युइन दिखा के, क्यों, ताकि आप लोग तक जेन्युइन चीजें पहुंचे। अब मैं यहाँ से भागना शुरू कर दूं, आपको पगमार्क दिखा दिया और इन चारों को भी बोलो कि भागो साथ में। वो मैं बार बार बैठ कर रहा हूँ, मैंने कहा है इसमें धाड़, कहाँ है उसकी, रोर आ रही है। सर बनाते हैं लोग, जमीन कांपती है, टाइगर बोल देगा ना सर, बंदा वहीं पे मुझे पता अभी रोर कर देगा ना। हम टाइगर के इलाके में, टाइगर से अगर सामने से रोर कर देगी ना 100 मीटर दूर से, हमारे ठंडे पसीने आ जाएंगे बॉडी में, गर्म वाले नहीं, गर्मी से सबको आते हैं। भालू जो है वो सामने जो मेरे पहाड़ दिखता है उसके ऊपर रहता है, और लोग कहते थे ऐसा, लेकिन मदन ने दो बार देखा, एक बार क्लाइंट भी थे कोई मद्रास के थे उनके साथ, तो इन दोनों ने वहाँ भालू देखा अमोटा वाटरफॉल के ऊपर थोड़ा ट्रैकिंग कर रहे थे, तो ये पुरानी बात होगी, तो फिर हमें कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ भालू भी है। काफी वहाँ पे बर्ड्स, टाइगर 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 का पैर, आजा आजा हेलो टोटो, मेरे टाइगर का है, वही वाले का दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों, ये देखिए, ये इस साइड, ये देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था, इधर इधर आइए सर, ऊपर ये देखिए, एक दो तीन एंड बैक पोर्शन, ये है, ये देखिए दोस्तों, ये है टाइगर, ये टाइगर है, ये टाइगर है, दूसरा इधर है पर वो मिक्स हो गया, भुरभुरी मिट्टी है, ये बना है, इधर साइज देखो सर, आप अपना हाथ रखो इसके ऊपर ऐसे करो बस, ये देखो हाथ से भी बड़ा है। लेपर्ड का कितना था, लेपर्ड का इसके बैक पोर्शन के बराबर था इतना, ये टाइगर है दोस्तों, कितना बड़ा टाइगर, इतना बड़ा कितना बड़ा, ये क्या बात है, देखो दोस्तों मुझे भी आगे पहचान, ये देखो दोस्तों, क्योंकि हल्की सी सख्त है मिट्टी, इसलिए ये सही बोल लेते हैं अभी आप, ये देखो 1 2 3 ये, और ये इधर से लोग लग रहा है मुझे, सुबह इधर से लोग, हाँ आज का ही है, ये कॉलिंग हो रही थी ना सुबह अभी, ये देखो। तो दोस्तों जो टाइगर है उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है जो टाइगर से उसके साथ बच्चा है ये उसी की मूवमेंट है। कुबेर जी एक और पगमार्क मिल गया, पूरा पगमार्क वहाँ लगा हुआ है, तो दोस्तों ऐसी जगह जो होती है ना ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये करता है नीचे की साइड, आपको दिख रहा है यहाँ पे पूंछ उठाकर, हाँ ये पत्थर देख रहे हैं, ये देखिए बाल, देखिए ये देखिए, ये देख रहे हैं ये टाइगर के बाल है, ये देखिए, और ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, ये देखिए अलग कलर है, यहाँ सुगे आकर इसके अंदर, ये देखिए बाल वाल से आ रही है ना, इसके अंदर देखिए कैसी होती है इसकी यूरिन की स्मेल, देखिए पॉपकॉर्न जैसी बिल्कुल। दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया है अभी वो टाइगर के सेंट मार्किंग की स्मेल है, पत्थर का कलर चेंज हो गया है, और पत्थर का जो कलर है वो क्योंकि उस पर सेंट मार्किंग कर रहा है तो वो चेंज हो गया है। हाँ ये मिल गया, पंजाबी मिल गया, चलो जी, नहीं नहीं और नीचे नहीं जाना कुबेर जी, रिस्क है, अंधेरा होने लगा, अच्छी लगी जो पेड़ है, आ जाओ पेड़ का है, ये देखिए दवाई का काम करती है, ये साल के राल है, मतलब जो गोंद निकलती है, ये राल होती है, बहुत तेज आग पकड़ती है, नहीं ये बहुत, ये तो और ले लो काम आती है, ये अगर कहीं कट जाए ना बीच के घाव में डाल दो, ये तो पूरे पत्थर फंसे हुए हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर फंसे हुए हैं। हम लोग बहुत अंदर तक आ गए हैं टाइगर टेरिटरी के अंदर, और जो कि सेफ नहीं है बिल्कुल भी, तो अब हम लोग यहाँ से ऊपर निकल रहे हैं जहाँ भैंस को किल किया था, और वहाँ से होते हुए हम वापस अपने प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे, क्योंकि ये टाइम है, ये लेपर्ड और टाइगर दोनों के मूवमेंट का टाइम है। आप सबको पता ही है जो लोग वाइल्ड लाइफ को फॉलो करते हैं कि टाइगर शाम होने के बाद, लेपर्ड भी शाम होने के बाद ही अपने घास से जहाँ बैठा होता है ठंडी जगह से उठता है, और हिरनों के पीछे स्मेल करता हुआ चलता है, वो टाइम हो गया है। तो अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बस हमें जंगल आपको दिखाना था जहाँ टाइगर रहता है, घूमता है, पगमार्क दिखा दिए, यूरिन स्प्रे जिसको सेंट स्प्रे वो भी दिखा दिया, और इतना सुंदर सा जंगल दिखाया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। कुबेर जी अब चलते चले जाओगे तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे, नेपाल निकलोगे। ये देखिए डाइनिंग टेबल पे है हम, ओ टाइगर यहाँ बैठ के खाता है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ। कुबेर जी पैरेट पैरेट झाड़ी है, ये देखो दोस्तों वो देखो, ये देखो
ये अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हड्डियों के काफी है, बहुत पूरा ही यहीं पे सुन। यहाँ तो तांडव मचा रखा है इसने। ये देखो दोस्तों, ये सिर्फ हड्डियां हैं। ये हिस्सा दांत हैं उसके, जो हमारे गांव में से गाय भैंस गायब होते हैं। हाँ ये खरोड़े हैं, खरोड़े ये मुंह है। हाँ नहीं, इसको इसको कह रहे हैं इसको, इसको ये जबड़ा है, ये जबड़ा है, उसके पीछे उसके पैर हैं। और हमारे हाल ऐसा ना हो तो इसलिए क्या करें, हम यहाँ से जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो दोस्तों उसका जो अब यहाँ से ये देखने के बाद तो आप समझ जाओ कि अब हम लोग यहाँ से निकल ही लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे लेकर आया है वो बॉडी को और आराम से बैठ के उसने खाया है। ये देखिए जगह जगह पूरे में हड्डी बिखरी हुई है, बहुत ही शेर के मुंह में, बाघ के मुंह में समझ लो हम लोग घूम रहे हैं। तो इससे पहले सच का मुंह दिख जाए उसका, हम यहाँ से निकल लेते हैं पतली गली से। ये आने जाने का रास्ता है उसका जिसपे हम चल रहे हैं। तो अभी हम जहाँ चल रहे हैं ये बाघ के आने जाने का रास्ता है। चलिए फिर फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं इससे पहले कि ज़्यादा अंधेरा हो जाए। क्या देख रहे हो कुबेर जी, बहुत ही डेंजरस जगह पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ हड्डियों का पूरा अंबार लगा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह है ये। मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, चलने की कोई जगह भी नहीं है। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है इस पर टाइगर चलता है। जो आपको अभी हड्डियाँ दिखाई हैं ये वो जगह है जहाँ बैठ के टाइगर लंच डिनर करता है। तो हम लोग टाइगर के डाइनिंग टेबल पे चल रहे हैं इस टाइम पे, और पूरी निशानी आपको दिखा दी कि यहाँ पे पग मार्क है, यहाँ पे सेंट मार्किंग है, यहाँ पे क्लॉ मार्किंग है, यहाँ पे उसका खाया हुआ शिकार, उसकी हड्डियाँ पड़ी हैं। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। समय जो समय होने वाला है ये करीब करीब 5-6 बजे का, क्या टाइम हो रहा होगा अभी, 5 बजने वाले हैं। जंगल में थोड़ा अंधेरा जल्दी लगने लगता है, तो चलते हैं अब, ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि है तो ये बहुत ही ख़तरनाक जगह जो कि आपको मैंने अभी दिखाया। तो सर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मज़ा आया। कभी एक्सपीरियंस ये वाला? फर्स्ट टाइम है डाइनिंग टेबल पे चलते हुए। टाइगर की डाइनिंग टेबल पे, अपने वाले पे तो हम रोज बैठते हैं। टाइगर की डाइनिंग टेबल पे तो बहुत प्रोटीन मिलेगा टाइगर को। ऐसा ना हो कभी भी, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। फिर लोग बोल जाते हैं कि वो बिल्ली थी, हाय राम, इतना कुछ देखने के बाद भी कोई बोल दे बिल्ली थी। और जिनके वीडियोस में कुछ नहीं होता उस पर लोग क्लैपिंग करते हैं, बहुत अजीब सा लगता है दोस्तों। ये देखो, ये इसको कह सकते हैं बिल्कुल फ्रेश। ये देखिए, ये पंजा मारता है, ये देखिए, ये उसकी धारी है, देखो ये चौड़ी है। ओके, और ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर अभी आपको दिखाएंगे जब वो चढ़ता है। आगे चल के दिखा दे, क्या अंदर ही अंदर आइए, और खतरनाक जगह ले चले, आइए दिखाएं। देखिए वो इतना ज्यादा क्लॉज के तेज होते हैं कि सीमेंट तक उखड़ गई है। आओ दोस्तों, ये देखो, ये जितने आपको पंजे दिख रहे हैं ये लगे हुए, ये यहाँ से अंदर जब मारता है। जो सुनील जी की वीडियो में देखे थे, और ये लाइव देख रहा हूँ मैं। ये देखो, यहाँ रोज चढ़ के इस जगह से आता है तो ये पूरा का पूरा सीमेंट तक उसके वजन से जब पैर ऐसे करता है तो खड़ चुका है। बिल्कुल, कितना गहरा निशान मार रखा है अपने पंजों से बाउंड्री को फांद के गांव की तरफ जाता है। तो यही बाउंड्री फांद के उसने भैंस को मारा था। घर दिख रहा है, वो नीमा देवी जी का घर है। आगे हैं, ये देखिए, येश्वरी लाल जी का घर है। पहला घर नीमा देवी जी का है, और जो दूसरा घर है वो कैसे हैं? अरे क्या बात है, आवाज आ रही थी, पेंचिंग इन्होंने खुद कराई हुई है। अच्छा, चंदन जी बैठे हैं, और क्या हाल है? अंधेरे में तो दिख भी नहीं रहे। हाँ मैं आऊंगा, बात होगी मेरी। हाँ तो मैं कल परसों में आऊंगा, अभी ईश्वरी लाल जी से मिल लेते हैं। ईश्वरी लाल जी की जो कुटिया है, घर है,
वहाँ आ गए हैं। ये देखिए इन्होंने बहुत सब कुछ लगा रखा है, बहुत कुछ, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद ही तार बाड़ कर रखी है, क्योंकि अभी इनके में वो वाली फेंसिंग हुई नहीं है। वो मदद आई है, वो मदद इनको देते हैं। आ जाइए सर, आइए, कैसे हैं? ठीक है, क्या हो रहा है? सब बढ़िया हो रहा है। और बाग वाग की क्या खबर है यहाँ? दहाड़ वहाड़ आज कल तो दो चार दिन से जब सुना नहीं, रात में तो रोज जब पता चलता आता है तो रोज। ये बता रहे हैं कि अभी दो तीन दिन से शांति है, नहीं तो यहाँ जीना मुश्किल होता है उसकी दहाड़ से। यही बोल रहे थे आप? हाँ, ये चीज है। जब आता है उसका पता चलता था ना, ये वो बोलता है। लास्ट टाइम कब आया था? हाँ, दहाड़ तीन चार दिन पहले कह रहे हैं। चार पाँच दिन पहले? ओके। हाँ, उसके बाद आते रहता है। दिन में नहीं आता है? ना, दिन में तो आजकल नहीं आता। कैसे रात में आता है? सही हो रहा है? साइकिल वाइकिल चला रहा है? वहाँ तो नहीं चला जा रहा अंदर साइकिल, भैंस के पास जो भैंस मारी थी। लाइट का क्या इंतजाम हुआ? लाइट आ गया सर। आ गई? अब आ गई लाइट, कल आ गई है। ये देखिए दोस्तों, जलाल जी कल आ रहे थे, मैं देखा था कल आ रहे थे, कल ही आए थे बाइक से लगाने। जो लाइट तो परसों दो दिन पहले आ गई ना, परसों आ गई, स्टार्ट अभी किया है। मेरे पास वो नहीं था ना, ये बल्ब नहीं था, कल बल्ब डालने का चलाया, फिर कल वो जुड़ के गए। हाँ, कल मैंने इनको देखा आते हुए। लाइट नहीं है पे? नहीं, अब आ गई, अब आ गई। नया गांव, इनका गांव था ऊपर, इनका गांव खैराड़ था ऊपर, वहां लैंडस्लाइड होके पूरा गांव चला गया अंदर मलबे में। ये इनको गवर्नमेंट से मिला है। अब इसमें जो जो डेवलपमेंट हो रही है, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा उसमें सहयोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने जगह दी, सरकार ने इनको जगह दी है, लेकिन जंगल के बिल्कुल किनारे दे दिए। टाइगर के लिए भी लोगों को करते हैं। हाँ, देखो आप देखो, ये भी आए हैं, इनको मैं लेकर आया हूँ। अच्छा, तो ये भी कह रहे हैं हमने करा थोड़ा। हाँ, इधर भी करवाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ ऐसा काम करेंगे, कर ही रहे हैं, आपको पता ही है लगातार ही। तो ये देखो जी, एक मिनट समझना। तो सौरभ जी, जैसा कि मैंने दर्शकों व्यूअर्स आप लोगों को पहले बताया था कि मैं पैसे दिखा के कोई ऐसे नहीं देना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं पैसे बांटता हूं। ये पैसे मेरे नहीं है, मेरे क्लाइंट्स के हैं। जैसे भाई साहब ने बोला कि मैं मदद करूंगा, इन लोगों को बहुत नीड है। मेरे पास समय नहीं था अभी कि मैं इनका गांव जाके आपको दिखा पाऊं। अभी थोड़े दिन पहले भी जब बारिश आई है तो इनका और भी जो घर था वो फिर से दोबारा दब गया। दोबारा हुआ था अभी जो बारिश आई थी, इस दिन भैंस को मार रखा था। उसे तो हुआ, फिर दोबारा ऊपर से पहाड़ आ गया, मकानों के घर ऊपर से। तो दोबारा भी हुआ था जब सुनील जी आ रखे थे, उस टाइम भी हुआ था। तो ये हमारे सौरभ तिवारी जी हैं जो मदद दे के गए हैं इनके लिए। मैं पैसे आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, कई लोग कमेंट बोलते हैं, बोल सकते हैं, बोलते भी हैं कि दिखा के पैसे दे रहा हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ जनरली कमेंट। वो जरूरी भी है दिखाना, क्योंकि लोग काफी बोलते हैं कि फेक कर रहे हैं, अपने पास खा जाते हैं। हाँ, काफी चीजें बातें बनती हैं। तो सौरभ भाई जी, आप मुझे जो पैसे दे के गए थे उसमें से 5000 रुपए मैं ईश्वरी लाल जी को दे रहा हूँ। ये सौरभ तिवारी जी हैं। धन्यवाद आप। ठीक है, हाँ, मेरा फोन नहीं है, सौरभ जी को आप बोल दो कि आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी, आपको भी। नहीं, चलो मेरा लोगों लोग आए हैं। दूसरा दोस्तों, मैंने नीमा देवी जी को भी कॉल किया था। नीमा देवी जी की मदर की तबीयत थोड़ी खराब है, तो वो डॉन परिवार, नानी क्या गई है तुम्हारी, तो ये उनका बेटा है नीमा देवी जी का, तो इसकी मम्मी गई हुई है अभी। मैं पैसे लेकर आया था नीमा देवी जी को, सामने बताकर मैं दूंगा एक दो दिन के अंदर, इसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा। सौरभ भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भैया नहीं, आप तो मुझे बड़ा भैया बोलते हैं। सौरभ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मदद की है, यहाँ भी की है और जहाँ और भी की है, वो मुझे पता है, सुंदरखाल में भी की है आपने। तो आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम तो कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं जंगल की ना, आप लोग हमारे बीच में भी आ गए, मदद भी करें, वैसे भी आ गए, तो हम आपसे बहुत आभारी हैं आप लोगों के। हमारे बीच आ गए, हमारे, ये देखिए ये शब्द आपके लिए, उसके लिए हमारे दुख उसको पूछ रहे हैं आप, हम इससे भी आभारी हैं। अगर मदद नहीं भी करें, ऐसे भी हमारे यहाँ आ जाए, तो हम इस पर आपके कोटि-कोटि धन्यवाद। सौरभ तिवारी जी फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो जो मेरी वीडियो में थे, मैंने टाइगर देखा, ये वही सौरभ भाई की मदद है, जो एक मदद नीमा देवी जी के लिए भी आ रखी है। तो एक दो दिन में जब वो आ जाएंगी, आज शाम को आ जाएंगी, इसकी मम्मी, मेरी बात हुई है, तो कल परसों में आके ये जो उनके लिए मदद है सौरभ जी आपने दी है, मैं उनको भी दे दूंगा। चलिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, थैंक यू, कोटि-कोटि धन्यवाद। इससे बाकी क्या, मैंने पर्सनल आपको बोला नहीं, मैंने कहा आप हमसे प्रेम से बोलते हैं, जब भी मिलते हैं रास्ते में बोलते हैं, इधर भी घर भी बुलाते हैं, हमारे घर में भी आते हैं, मैंने आपसे पर्सनल भी कहा। देखो मैंने प्रॉपर्टी बताऊँ आपको, सिर्फ इसलिए नहीं बनाई है कि मुझे बिजनेस करना है, आपको पता मैं गाँव में क्या क्या कर रहा हूँ। आप प्रेमी आदमी हैं, आप बस ऐसे ही प्यार बना रहे, हम साथ साथ में बिजनेस करते हैं थोड़ा बहुत दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बना रखी है। मेरा जिंदगी का एक मोटिव था
कि मैं कहीं ऐसे जंगल में रहूं जहां पे आसपास में गांव वाले हों, थोड़ा कमाऊं और वैसे ही उनके साथ मिल बांट के वहां पे रहूं। ऐसे ही मदद आपको आती रहेगी, जो जो जरूरत होगी मैं अपने दोस्तों को सबको बोलता रहता हूँ। ये भाई जी को भी मैंने बताया है तो ये भी कह रहे हैं कि आगे जो भी इनसे होएगा आप तो इन्होंने देख लिया, आपने जोड़ेंगे लोगों को, खुद भी करेंगे, जितना होगा करेंगे इन लोगों के लिए। आप इनकी स्थिति देख लीजिए, ये है टाइगर और लेपर्ड यही घूमते हैं, बहुत कहानियां हैं, सारे कुत्ते गायब हैं, एक ये बेचारा सेंचुरी बना रहा है अपनी, ये अपनी टेबल लगा के बैठे हैं टाइगर के लिए। रात को क्या होता होगा, रात को जैसे टाइगर क्या है, ये तो कुत्ते के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ मारा है। चलिए ठीक है सरयाल जी, ओके ठीक है, बाय बाय। तो हम लोग वापस आ गए हैं अपनी ट्रैकिंग करके, जो इस बार बहुत शानदार रही क्योंकि इसमें सेंट मार्किंग, क्लॉ मार्किंग, पग मार्क, हड्डियों का भंडार जो कि उसका डाइनिंग टेबल था, साथ साथ में हम खैराड़ गांव में गए जहां सौरभ जी ने जो मदद भेजी थी उनको पहुंचा दी है। अब इनसे बात करते हैं, सर आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आया, मैंने सारी चीजें देखी, एलिफेंट वॉल पे भी कम से कम दो दो तीन तीन इंची उन्होंने पूरा सीमेंट निकाली हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाखून कितने स्ट्रांग है, मैं तो सबसे वही सोच रहा हूँ। सर आपको भी मजा आया? बहुत बढ़िया है ना, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देखा मैं तो जंगल में, इन्होंने भी पहली बार देखा। और सर वीडियोस में मजा आया, जो हमने चाहा था ना वीडियोस में देखते रहते थे आपकी, और आज आपने वो हमें जो हमारा सपना था वो पूरा करवाया, और कल से दिल इच्छा भी थी आपकी कि मुझे लेके चलो लेके चलो, वो भी पूरी हो गई, बिल्कुल। तो एक खतरनाक जंगल देख लिया आपने, टेरिटरी, एलिफेंट टेरिटरी सब हम घुमाए, लेपर्ड टेरिटरी। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय।